हेलो गाइस गाइस, आज मैं एक ऐसी चीज़ आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, उसने सुसाइड नहीं किया है। मैं आज आपको डेमो लाइव दिखाने वाला हूँ कि फांसी लगाते कैसे हैं, जब फांसी लगती है तो किस तरीके का मांक आता है और उसका प्रोसेस क्या होता है लगाने का। चलिए तो गाइस, शुरू। सबसे पहले आप ये देख लो, ये मेरा रूम है। सेम ऑलमोस्ट 2 फीट की हाइट का ये बेड है और यहाँ ऊपर फैन लगा हुआ है जिस पर मैं अभी फांसी का फंदा लगाने वाला हूँ। और ये देखते हैं बिना चेयर या स्टूल के लग सकता है या नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये शुरू करते हैं कि ये लगता कैसे है। सबसे पहले कम से कम मिनिमम इतना कपड़ा चाहिए चाहिए, क्योंकि मैंने नीचे कम से कम 10 कपड़े देखे फांसी लगाने के लिए। कपड़े की लेंथ भी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऊपर नॉट भी लगानी है और मुझे खुद को बांधना भी और हैंग करने के लिए भी चाहिए। तो मेरे जितने 5 फुट 11 इंच के इंसान को ये चलेगा, इससे छोटे से मैं फांसी लगा ही नहीं सकता। ओके, सो चलिए ये भी देख लेते हैं कैसे, क्योंकि अभी देखो जैसे मैंने ये खींचा तो ये पंखा टेढ़ा हो जाएगा और मेरे फैन की पंखड़ी जो है वो ये ब्लेड है ये मुड़ जाएंगे अगर एक तरीके से। तो इसकी भी एक अलग ही टेक्निक है जो कि पहले आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ से डाला, इधर से ये मैं इसको बांध देता हूँ, इधर ये मैंने बांध दिया, क्योंकि उसने भी अपने रूम में टेबल का यूज नहीं किया, चेयर का यूज नहीं किया, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। सेम प्रोसेस करके बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट इतनी ही हाइट है, 2-4 इंच ऊपर नीचे हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। उसके बाद मैं ये फांसी का फंदा, एटलीस्ट मेरे को इतनी हाइट तो चाहिए लटकने के लिए, तो ये मैं फांसी का फंदा लगा दिया हूँ। अब अगर मैं इससे ऊपर की हाइट पे लटकता हूँ, इससे ऊपर की हाइट पे, तो मुझे स्टूल चाहिए या चेयर चाहिए, क्योंकि मेरी हाइट इतनी है। इससे ऊपर मैं लटक के तो इसे फंदा लगा नहीं सकता अपने गले में, कुछ तो मेरे नीचे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे मैं लटका, अब जैसे मैं लटक रहा हूँ, सॉरी मेरी आवाज जा रही है इसलिए, तो मैं लटक रहा हूँ तो मैं मुझे पैर ऊपर उठाने पड़ेंगे। कोई भी अपने आप को खुदकुशी करने के लिए पैर ऊपर नहीं उठाएगा, जाहिर सी बात है वो स्टूल या चेयर रखेगा जिसको वो धक्का देगा। अब ये मैंने लटका, देख रहे हो आप, ये मैं लटक रहा हूं, तो मेरी गर्दन ऐसे टेढ़ी जा रही है। अगर सीधी भी मैं करता हूं तो मेरा ओके। अब मैं आपको खोल के समझाता हूं ये, वेट। अभी कर देते सारा, रुको अभी तुम देखो बेटा, तुमने तो बहुत ही मजे ले लिए। ये जब मैंने फांसी का फंदा लगाया, इसकी नॉट भी एक अलग तरीके से बनती है जो कि मैंने बांधी, और जब मैंने फंदा लगाया तो मेरे गले से ये ऐसे था, लुक, ये ऐसे आया ऊपर से पीछे से क्लोजअप, ये ऐसे आया। तो ये इसकी इसकी शेप देख रहे हो आप डायरेक्ट, ये यहां से नहीं बंधा मेरा, ये इधर से आया है, यहां से मार्क, यहां से मेरा दम घुटना शुरू हुआ, तो यहां से ये आया फांसी का फंदा, और यहां से कभी नहीं आ सकता इसका निशान। यहां से तब आएगा जब आप इसको पकड़ के ऐसे और ऐसे इसको ऐसे दबाओगे, तब ये यहां से निशान आएगा इसका। ये सबसे पहला और अहम पॉइंट है उसकी मर्डर मिस्ट्री को लेके, कि ये लटक के तो डेफिनेटली नहीं मरा है। दूसरा, उसकी आंख पर एक ब्लू कलर का निशान है जिससे पता चल रहा है कि उसको पंच लगा है जस्ट उससे पहले, थोड़ी देर पहले। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, वो एक ऑनलाइन वॉरफेयर गेम खेल रहा था उसी टाइम पे। ये तो हो नहीं सकता कि किसी को मरने से पहले दिल में आया हो कि चलो मैं एक वीडियो गेम का लास्ट चांस खेल के मर जाता हूँ, उसके बाद सुसाइड कर लूंगा। और तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, उसके मैंने बता ही दिया कि उसके रूम में कोई टेबल चेयर कुछ भी नहीं मिला, ये मैंने आपको लाइव इसलिए डेमो करके दिखा दिया। इस ये बहुत सारे पॉइंट है, सीबीआई इंक्वायरी की तो कोई जरूरत है भी नहीं। जस्ट हमें क्या चाहिए कि एक हवलदार भी ढंग से ईमानदारी से अगर इस केस को देखेगा ना, तो ये मर्डर ही निकल के आएगा। मुझे इस केस में डाल के दे दो, 15 दिन के अंदर अंदर कातिल इंडिया के सामने ला के रख दूंगा। चैलेंज है मेरा, जरूरत भी नहीं है सीबीआई इंक्वायरी की। और ये आजकल हो क्या रहा है, सारा का सारा मीडिया बिक चुका है, कोई भी न्यूज चैनल पे कोई भी नहीं दिखा रहा है सुशांत सिंह के बारे में। पूरा इंडिया जानना चाहता है कि आखिर चल क्या रहा है, उसके उसका केस का हो क्या रहा है आगे, कुछ सब लोग जानना चाहते हैं यार, उस बच्चे की डेथ हुई है कैसे हुई है। बट मीडिया बिक चुका है, वो कुछ भी किसी के सामने दिखा नहीं रहा है इस टाइम पे। क्यों करेगा यार वो सुसाइड, क्या रीजन है उसके पास सुसाइड करने के? अरे सब कुछ तो उसका ठीक चल रहा है, मूवीज उसकी अच्छी खासी चल रही है, बैक टू बैक उसके पास काम है, पैसा उसके पास है, मैसेराती उसके पास है, बेंड्रा में घर उसके पास है, एक बूढ़ा बाप उसका बैठा हुआ है, ऊपर से AIIEEE में 7th रैंक, इंटेलिजेंट पर्सन, जिसका जिसका दिमाग इतना तेज है, वो इंसान यार सुसाइड के बारे में सोचेगा? अबे लानत है तुम लोगों पे जो ऐसा सोचते हो कि वो सुसाइड कर सकता है।
अबे ये नेपोटिज्म और ये डिप्रेशन, ये ढोंग है, ये दिखाया जा रहा ताकि लोगों का ध्यान इस तरफ जाए और मर्डर की तरफ किसी की नजर ही ना पड़े। ये सब साले एक ही थाली के चट्टे पट्टे सबके सब मिले हुए हैं। ये मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, मुझे इतने सारे पॉइंट्स अगर तुम दिखाओगे तो डेफिनेटली मैं तो यही बोलूंगा कि ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है। ऐसा इंसान सुसाइड नहीं कर सकता। ही वॉज अ ब्रिलियंट पर्सन, ही वॉज वॉरियर, और वो कहाँ से उठ के कहाँ पहुंचा है उसके लिए यही मतलब, ये कोई इसका स्ट्रगल टाइम नहीं चल रहा था, इट वॉज अ सक्सेस फॉर हिम, ही वॉज सक्सेसफुल। ऐसे ऐसे तुषार कपूर, अर्जुन कपूर, वरुण धवन जैसे थके हुए थर्ड क्लास एक्टर अगर इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वो तो सुशांत सिंह राजपूत था, इनसे तो करोड़ गुना अरबों गुना अच्छा काम कर रहा था यार वो इंसान। वो सुसाइड नहीं कर सकता गाइस। ये चाहे आप वीडियो शेयर करो, अपने स्टेटस पे डालो या दूसरे वीडियोस बनाओ, बट इसके लिए सब एक हो जाओ यार। जस्टिस चाहिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए, तो चाहिए। आई वॉन्ट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत गाइज। हर कोई अपने स्टेटस पे डाल दो, चाहे रोज डाला बड़ा, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। जय हिंद।